So hey guys, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel, Mr. D Motor Vlogs. सो आज को राइडिंग जैकेट पहन के चल रहा है ना, तो इतना सुकून फील हो रहा है, क्योंकि आपको अगर ऐसे कुछ टी शर्ट पहन के अगर हाई स्पीडिंग करते हो तो मतलब विंड ग्लास इतना ज़्यादा पड़ता है कि मतलब आपको चलाने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन जैसे आप राइडिंग जैकेट पहन लेते हो और ग्लव्स पहन लेते हो तो आपको वो फील नहीं होता है, तो आप जितना चाहे उतना चला सकते हो, कुछ मतलब आपको दिक्कत नहीं करता है। कुछ ज़्यादा गर्म पड़ रहा था तो इसलिए शर्ट नहीं पहना, बस एक अंदर में एक हाफ गंजी, उसके बाद डायरेक्टली जैकेट पहन लिया ताकि इसका जो ब्रीदिंग है मतलब बहुत अच्छा है जैकेट का, मतलब गर्मी फील नहीं होता है इतना जितना होनी चाहिए। और अभी तो वेदर भी ठंडा हो रखा है, स्पिनिंग का टाइम है और 447 हो रखा है, तो वेदर ऑटोमेटिकली कूल साइड में चला जा रहा है और बाइक आज को आहिस्ता चलाने को मन नहीं कर रहा है मुझे। मतलब एग्जॉस्ट का जरूरत ही नहीं इस बाइक में ना, जो फील देते हैं ना, जो ग्रांड है मतलब ना अंदर से जो फील आता है, मज़ा आ जाता है। अंकल जी के मतलब नहीं यार, इंडिकेटर क्या दी थे ना भाई, इतने घूर दीजिए मैं इंडिकेटर तो कुछ देना चाहिए ना एटलीस्ट। आज बाइक भी सोच रहा होगा क्या हो गया बोल के, इतना ख़राब से चला रहा है बोल के सोच रहा होगा। इतना ख़राब से तो नहीं चला रहा, आपका 100 to 90 का स्पीड मेंटेन कर रहा है, बस जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मज़ा लग रहा है, एक्सेलरेट करके मतलब बाइक ना बहुत मज़ा लग रहा है, जो फील आ रहा है मज़ा तो आ रही है सिवाय। मैं बोल रहा हूँ जब भी बाइक टूर करने जाएगा ना, लेकिन बहुत मज़ा लगेगा क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन जो टाइप है ना, इसका एक्सेलरेशन जो टाइप है ना वो एकदम घुस कर देगा आपको। इसका एक्सेलरेशन मतलब ऐसे है कि मतलब आपको बिलो 4000-5000 आरपीएम से पूरा एक्सेलरेशन पकड़ना स्टार्ट कर देता है, तो मज़ा आ जाता है चला के। आगे में बादल देखो, जब भी टूर करता है ना तो बाइक ऐसे चलनी चाहिए, जब आपको पावर चाहिए मतलब जैसे कम स्पीड में चल रहे हो, मतलब ऐसे क्रूज कर रहे हो 50-60 में, जैसे आपको पावर चाहिए बस दे दो और ऐसे निकलो। आगे मैं स्काई देखो, आई डोंट नो गोप्रो में आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाफ ब्लैक हाफ वाइट हाफ ब्लू हो रखा है और बारिश देने वाला है, बारिश देगा शायद थोड़ा देर में। निक भाई को आज को आएगा बोल रहा था इधर में, अब पता नहीं वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, अब है कि नहीं वो घर पे मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक बार रुक के उसको कॉल कर लेगा। भाभी निक भाई ने तो कॉल नहीं उठाया तो थोड़ा आगे इस तरफ आया है। अच्छा से डलिए, यहाँ पर घुसता नहीं है, ये वाला घुसता नहीं है, पूरा निकल जाता है, चालू है पता नहीं, हम देखा नहीं है, बात कर लेंगे। चालू होगा शायद, हाँ चालू है। हाँ दिखाई दे रहा है, 500 दिया था तो 500 मतलब अभी कल या परसों 200 किलोमीटर का राइड होने वाला है इसमें, मतलब 200 किलोमीटर नहीं, एप्रॉक्स 150 किलोमीटर। सो
उसमें देखना होगा कि बाइक कैसा मतलब भागता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरा जितना भी राइड है ऑलमोस्ट 70 मैक्स टू मैक्स 70 गया है वो, ठीक है। सो वही देखना पड़ेगा अभी जब इसको थोड़ा लॉन्ग टूर करेगा तो इसका जो मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहने वाला है मेरा। सो आज को ऐसे ही रेंडमली ब्लॉग बना दिया, ऐसा कुछ भी खास नहीं था ब्लॉग में, बस बाइक चला के मज़ा लग रहा है। और सीन सब देखो इधर में खेती चल रहा है अपना गाँव में। जो भी बोलो लेकिन जब लॉन्ग टूर करेगा इसमें एक बात तो सही है कि मतलब जैसे भी हो कंफर्ट तो बहुत होने वाला है, चाहे बैठने में हो या हैंडलिंग हो कंफर्ट बहुत अच्छा है। और इसका जो इंजन का रिस्पॉन्स है वो भाई वो गजब है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको हाई आरपीएम में पावर मिलती है, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूसली पावर मिलती जाता है बिलो 4000-3000 आरपीएम से पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो 3.5 आरपीएम पे चल रहा है बाइक, तभी 6 नंबर पे 50 कर रहा है इतना मज़ा से। वैसे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा एक घूम के ऐसे आ जाता है, ठीक है। कुछ आज को वीडियो बनाने के लिए कुछ क्लिप नहीं है तो इधर उधर ही घुस के ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो यही नहीं करने के लिए। हाँ इधर भी देखो, बीच में जब फ्लड हुआ था ना, फ्लड वाला ब्लॉक बनाया था उस टाइम में, तो ये रास्ता का ऊपर से पानी आ रहा था, मतलब इधर में आ ही नहीं पाया। पूरा अभी धान का सीजन चल रहा है इधर में, फ्लड का समय में तो पूरा ब्रिज डूब गया था, ब्रिज का बस ऊपर का पार्ट सिर्फ दिखाई दे रहा था, तो रास्ता भी ब्लॉक था। कुछ सिनेमेटिक देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, बस यही थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ऐसे ही मतलब बाइक चला रहा था, बोरिंग हो रहा था तो इसलिए निकल के आ गया घर से। चलो यहाँ से फिर से निकलते हैं। ओके कितना सही लग रहा है, इस साइड में अच्छा लग रहा है ना। हाँ उस साइड में अच्छा लग रहा है देखने में, इस साइड से ज़्यादा इस साइड में अच्छा लग रहा है देखने में। सपोज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर पे कितना मज़ा से चढ़ रहा है मेरा बाइक। 2 नंबर में इतना सीमलेसली मतलब टेंशन नहीं है, मतलब बाइक को बिंदास से चढ़ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मतलब आउट फील थोड़ा ज़्यादा ही है, कम भी नहीं है,